शंभु नारायण भगवान की जय। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के बारे में जानेंगे कि 28 और 29 जून का समय इनका कैसा गुजरेगा। आइए आज की इस वीडियो में हम इसे जानेंगे। लेकिन दोस्तों इसे जानने से पहले आप हमारे वेबसाइट misra4u.com को एक बार जरूर विजिट करें। आप गूगल पर सर्च करें और वहां पर जाएं, आपके काम की बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो ज्योतिष की दुनिया की लगभग सब कुछ वहां है। अथवा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं जन्म कुंडली और हस्त रेखा के अनुसार, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के बारे में कि 28 और 29 जून का समय जो है उनका कैसा रहेगा। दोस्तों आइए सबसे पहले हम कुंभ राशि के बारे में जानते हैं कि इन जातकों का समय इन दिनों कैसा रहने वाला है। दोस्तों सातवें भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से रोग आदि की परेशानी रहेगी। मतलब इनके इस घरेलू घर में स्त्री को या माता बहनों को जो है रोग संबंधी व्याधियां रहेगी, जिससे ये काफी परेशान रहेंगे। दोस्तों व्यवसाय क्षेत्र में भी इन्हें सफलता मिलेगी, किंतु उस सफलता को पाने के लिए इन्हें बहुत संघर्ष करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर ये कहीं सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसा योग बन रहा है इन दिनों। इतना ही नहीं, शत्रु पक्ष पर भी इनका प्रभाव रहेगा। दोस्तों ऐसा देखा जाता है कहीं पर ये दबे हैं तो कहीं पे ऊपर हैं। दोस्तों सातवीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शरीर रोगों एवं चिंताओं का शिकार बना रहेगा। इनके शरीर पर रोग और चिंता की जो है लकीरें दिखती हुई नजर आएगी, जिससे इनका शरीर भी ग्रसित हो जाएगा, बीमार पड़ सकते हैं। फिर भी इतना होते हुए भी ये जातक जो है अपने मनोबल को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। दोस्तों आइए इस कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में पुनः एक बार फिर से एक एक कर संक्षेप में चर्चा कर लें। दोस्तों इन दिनों इन जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये काफी परेशान हैं, फिर भी अपने मनोबल के बल पर, अपने मस्तिष्क और बुद्धि के बल पर ये परेशानी को अपने चेहरे पर आभास नहीं होने देते। इन दिनों मस्तिष्क की स्थिति इनकी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों धन और संपत्ति का क्षेत्र है, धन अर्जन होगी, किंतु बहुत कठिनाइयों के बाद इस धन अर्जन में इन्हें बहुत ही संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों भाई बहन के बीच का जो संबंध है यह भी इनका इन दिनों सामान्य ही देखा जा रहा है, बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। दोस्तों माता से प्यार मिलेगा, भूमि और भवन की स्थिति सामान्य ही रहेगी, संतान से भी इन दिनों मतभेद ही रहने की संभावना है। विद्या अध्ययन करने वाले छात्र या छात्राएं जो है विद्या अध्ययन में लीन रहेंगे, लिप्त रहेंगे। रोग और शत्रु, दोस्तों शत्रु से तो ये मुक्त रहेंगे, किंतु रोग के जो है आशंकाएं इनके ऊपर बनी हुई रहेगी, यदा कदा चिंता टेंशन से कुछ न कुछ होता ही रहेगा। प्रेम और विवाह का संबंध भी इन दिनों दोस्तों इन्हें सामान्य ही रहेगा। ऋण और संकट की बात है तो ऋण तो इन्हें होगा नहीं, किंतु अपने शत्रु पक्ष का प्रभाव बना रहने के कारण या अन्य किसी भी कारणों से इनके ऊपर जो है संकट के बादल दिखते नजर आएंगे। ये चिंतित बने रहेंगे, चिंताग्रस्त रहने के कारण ये थोड़ा बहुत रोगी भी बनेंगे,
रोगी भी बन सकते हैं। दोस्तों धर्म और भाग्य के क्षेत्र में इनका अच्छा साथ रहेगा, अच्छा सहयोग रहेगा। धर्म में ये जोर शोर से लीन रहेंगे, पिता का प्यार मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, व्यवसाय भी अच्छी चलेगी, नौकरी की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। दोस्तों आय भी अच्छा होगा और लाभ तो सामान्य ही रहेगा, क्योंकि खर्च भी इन दिनों इन जातकों को ज़्यादा ही होने वाला है। दोस्तों आइए अब हम कुंभ राशि के बाद मीन राशि के जातकों के बारे में जानते हैं कि मीन राशि वाले जातकों का 28 और 29 जून का समय जो है कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों मीन राशि वाले जातक जो हैं छठे भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष से अशांति बनी रहेगी, यानी कि शत्रु पक्ष का इनके ऊपर प्रभाव बना रहेगा, जिसके कारण इनका जीवन त्रस्त रहेगा, अस्त व्यस्त बना रहेगा। इतना ही नहीं दोस्तों बुद्धि और बल से उन पर ये अपना प्रभाव स्थापित करेंगे, यानी कि अपने शत्रु पक्ष के बल को, शत्रु पक्ष के शक्ति को ये अपने बुद्धि विवेक से उन्हें समाप्त करने का कोशिश करेंगे, मतलब अपना प्रभाव उन पर हावी कर देंगे, स्थापित कर देंगे। दोस्तों इतना ही नहीं संतान पक्ष से इन्हें कष्ट मिलेगा, संतान से भी इन्हें सुख नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब घर के बाहर शत्रु और घर के अंदर जो अपना पुत्र है वह भी शत्रुवत ही व्यवहार करेगा, यानी कि अपने ही संतान से इन्हें कष्ट मिलेगा, दुख होगा, तकलीफ होगा। तथा विद्या अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को भी इन दिनों कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, सुगमतापूर्वक विद्या अध्ययन करने में वो असमर्थ रहेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं सातवीं शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से खर्च अधिक रहने के कारण इन्हें कष्ट होगा, तथा बाह्य स्थानों से भी असंतोषजनक लाभ ही मिलेगा। बाहरी स्थानों से जहां आमदनी आने की संभावनाएं हैं दोस्तों, आमदनी तो आएगी लेकिन संतोषजनक आमदनी नहीं होगी, जिसके कारण ये चिंतित रहेंगे। इस चिंताकुल होकर, चिंता में मग्न होकर ये रोगाकुल भी हो सकते हैं। दोस्तों आइए इस मीन राशि वाले जातकों के बारे में भी हम बारी बारी से एक बार संक्षेप में चर्चा कर लें। दोस्तों इन जातकों के लिए मस्तिष्क और बुद्धि बहुत ही कुशाग्र सी नजर आ रही है, क्योंकि शत्रु जब इन्हें इन पर हावी हो रहा है तो ये अपने बुद्धि विवेक कला कौशल से शत्रु पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाते हैं। ये किसकी देन है? मस्तिष्क और बुद्धि की देन है। तो दोस्तों इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि मीन राशि वाले जातक जो हैं मस्तिष्क और बुद्धि इनका बहुत ही चंचल है, कुशाग्र है, जिसके कारण शत्रु पक्ष को ये परास्त करते हैं, पराजित करते हैं। दोस्तों धन और संपत्ति का क्षेत्र जो है इनका सामान्य रहेगा, सपोर्ट सबका होते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण इनको लाभ नहीं होगा, थोड़ा बहुत लाभ है भी तो काफ़ी संघर्ष और काफ़ी परिश्रम के बाद हो रहा है। दोस्तों इन दिनों भाई बहन के बीच का जो संबंध है बहुत अच्छा नहीं रहेगा, माता का सुख मिलेगा, भूमि और भवन से भी काफ़ी प्रोन्नति प्राप्त होगी, संतान से दोस्तों सुख नहीं मिलेगा, संतान से इन्हें मतभेद शत्रुवत व्यवहार रहेगा। दोस्तों विद्या अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को भी इन दिनों काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रोग और शत्रु पक्ष में दोस्तों रोग से तो मुक्त रहेंगे किंतु आसपास इर्द गिर्द का शत्रु का इनके ऊपर प्रभाव रहेगा, जिससे ये चिंतित नजर आएंगे। इन दिनों दोस्तों प्रेम और विवाह का जो संबंध है वह भी इनका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, प्रेम और विवाह के बीच का जो दाम्पत्य जीवन भी समरस नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों ऋण से तो मुक्त रहेंगे किंतु शत्रु पक्ष से चिंता फिक्र होने के कारण, टेंशन तनाव के कारण संकट सा बना रहेगा। धर्म और भाग्य के दृष्टिकोण में
धर्म क्षेत्र में ये भाग लेंगे किंतु भाग्य का अच्छा साथ नहीं मिलेगा। पिता व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में दोस्तों पिता से इन दिनों मतभेद बना रहेगा। व्यवसाय इनका अच्छा चलेगा, नौकरी भी सामान्य रहेगी, आय अच्छा होगा, किंतु खर्च ज़्यादा होने के कारण ये धन संग्रह नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, कमेंट में लिखें। जय शंभु नारायण।